आज बनाएंगे लौकी पनीर कोफ्ता। तो उसके लिए मैंने आधा लौकी लिया, उसको ग्रेट करके इसका पानी हटा लेंगे। इसमें डालेंगे पनीर, हरी मिर्ची, अदरक और भुना हुआ बेसन, नमक और इसका कोफ्ता बना लेंगे। इसको फ्राई करके साइड हटा लेंगे। फिर लेंगे एक पैन, उसमें तेल डालेंगे और सारे खड़े मसाले को भून लेंगे। उसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, काजू, पानी, हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया, सबको डाल के इसको थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक के पकाएंगे टमाटर और प्याज को। उसके बाद ठंडा हो जाएगा तब इसको पीस लेंगे। फिर खड़े मसाले को हटा के एक लेंगे पैन, उसमें ऐड करेंगे तेल या घी जो भी, और फिर जो हम लोग ग्रेवी पीसे थे उसको ऐड कर देंगे। थोड़ी देर कुक करेंगे कस्तूरी मेथी डाल के। इसमें डालेंगे नमक, शुगर, थोड़ा सा पानी, मलाई, और अगर शुगर ऑप्शनल है। और फिर इसके थोड़ी देर कुक करेंगे। मलाई डालने के बाद हम लोग को तुरंत कोफ्ता को डालेंगे। कोफ्ता डालने के बाद कस्तूरी मेथी डाल के फ्लेम को बंद कर देंगे। आप लोग की फेवरेट डिश मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।